अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको एसएनजाइम वर्ल्ड में 3 KVA यानी 3 kW का नाइट्रो इन्वर्स का जो इन्वर्टर है इसका सोलर का रिव्यू देंगे और इसकी परफॉर्मेंस और इसकी जो इससे हमें फायदे हो रहे हैं, जो बिजली की बचत हो रही है उसके बारे में आपको कंप्लीट एक ब्रीफ करेंगे। और इसमें मेरे दोस्त जो काशिफ है, काशिफ इकराम, उन्होंने ये इंस्टॉल करवाया है और इसकी टोटल आपको आज हम बताएंगे कि इसकी कॉस्टिंग क्या हुई है और इसकी टोटल हमें क्या इसके लगाने से फायदे हो रहे हैं और कितनी बिजली की बचत है और ये हमें कितने यूनिट डेली दे रहा है और बिजली की कितने यूनिट की आज हमारी बचत हो रही है। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और आपको भी इसके बारे में काशिफ इकराम मेरे दोस्त जो है वो कम्प्लीट बताते हैं कि इसको लगाने के कितने फायदे हैं। तो वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा एंड तक। थैंक यू वेरी मच। ये मेरे दोस्त हैं काशिफ इकराम, इन्होंने ये इंस्टॉलेशन करवाई है टोटल ये सोलर की और इसमें ये पूरा जो इन्होंने ये लगवाया सोलर का सिस्टम, इसके बारे में काशिफ इकराम आपको कंप्लीट ब्रीफिंग देंगे। काशिफ जी, काशिफ कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। साहब भाई, क्या हाल चाल है? जी ठीक ठाक। काशिफ यार, लोगों बड़े सवालात आ रहे थे, हमने पहले वीडियो डाली थी, इसकी टोटल डिटेल तो बताएं लोगों को, इससे कितना फायदा होगा यार? यार ये जो सिस्टम है ये इन्वर्टर का 3 kW का लगवाया मैंने, नाइट्रोक सिस्टम इसका है। ये नाइट्रोक का सबसे अच्छा सिस्टम है, इसमें फैन वगैरह नहीं है चलते जिसकी वजह से हीटअप नहीं होता और इसमें रिपेयर चार्जेस, रिपेयर की चीजें बहुत कम निकलती हैं जिसकी वजह से इसके नुकसान ना होने, मेंटेनेंस कॉस्ट इसमें कम है बहुत। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये 3 kW का है, मैं इस पे अपना 1.5 टन का एसी भी चला रहा हूँ, 2 फ्रिजें चल रही हैं और घर का सारा लोड तकरीबन 1.5 टन का एसी और 2 रेफ्रिजरेटर भी चल रहे हैं, रेफ्रिजरेटर और पंखे घर के सारे और लाइटें भी सारी इसमें, ये 1 टन पे लोड उठा लेता है ये सारा। माशाल्लाह जी जबरदस्त। तो ये दिन में जैसे लाइट जाती रहती है, अब मेरे घर में तकरीबन 8 बजे दिन 8 से 12 बजे तक लाइट बंद रही तो इसके सारी चीजें रन करता रहा, इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आया। तो ये बड़ा अच्छा चल रहा है सिस्टम, मैंने अभी 1 महीना हुआ पहले लगवाया था, आजाद भाई ने इसका रिव्यू दिया था तो अब मैं इसका रिव्यू दे रहा हूँ कि ये सिस्टम बहुत अच्छा है और मैं रिकमेंड करता हूँ सबको। मेरा तकरीबन इसमें 8 लाख रुपया खर्चा आया, तो बाकी फीचर मैं आपको बताता हूँ। आप इसमें ना टोटल इसकी कॉस्टिंग हमें एक दफा फिर बता दें ताकि नाजरीन के लिए जो हमारे हैं बड़े क्वेश्चंस आ रहे थे तो वो नाजरीन हमें कंप्लीट बता चल जाएगा कि कितनी कॉस्ट आ रही है इसमें। अब मैंने जो प्लेटें ली थी, मैंने 86 रुपए पर वाट प्लेटें ली थी लॉन्जी की 550 वाट की, तो उस वक्त डॉलर के रेट ज्यादा थे, अब डॉलर के रेट कम होने की वजह से सुना है कि मार्केट में इसकी प्राइसेस कम हो गई है तो आप मार्केट चेक करके ले, लेकिन मैंने 86 रुपए पर वाट ली थी तो जिसकी वजह से इसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा आई थी, लेकिन मुझे इसके बेनिफिट इतने ज्यादा थे मुझे, मैं कहता हूँ कि लेकिन आपकी बचत तब भी तो होगी क्योंकि उस वक्त बिजली की प्राइसेस जिस तरह बढ़ रही थी आपने तो फौरन वो अपने पैसे भी तो बचाए हैं इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने वो मेरी सेविंग ही कह लें, अब मुझे इसका बेनिफिट हो रहा है। चलो थोड़ा सिस्टम महंगा लग गया लेकिन इसके मुझे बेनिफिट है। ये तकरीबन इसकी कॉस्ट जो है नाइट्रोस का है, ये सबसे अच्छे वाला इन्वर्टर है 3 kW में, इसकी कॉस्ट आई है तकरीबन 2,30,000 रुपए में, ये मैंने परचेज किया था तो इसके साथ तकरीबन 8 प्लेटें लगी है 550 वाट की लॉन्जी की। ओके। तो उसकी कॉस्ट 3,78,000 रुपए आई है, यानी कि अच्छा 3,78,000 की वो 8 सोलर प्लेट से आपने लॉन्जी की लगवाई है। जी। और ये सारा सिस्टम जो बैटरियां हैं ये मैंने बढ़िया 75,000 रुपए की, और जो ये सारा सिस्टम जो इंस्टॉल करके ऊपर जो पैनल वगैरह लगाए हैं 1,30,000 रुपए उस पर खर्चा है। अच्छा 1,30,000 रुपए। और ये जो बैटरी है ये आपने 2 लगवाई है? जी ये बैटरियां मैंने 2 लगाई, इस सिस्टम के साथ 2 लगती हैं, 6 kW के साथ 4 लगती हैं। और ये जो 2 बैटरियां आपने लगाई हैं, अच्छा ये 2 75,000 की आई हैं? जी 75,000। वेरी गुड। और आपने ये एक्साइड की लगवाई हैं? जी ठीक ठीक ठीक। आप नाजरीन जो इसकी टोटल कॉस्ट है इंस्टॉलेशन की और प्रोडक्ट की जो सोलर की टोटल लगी है वो हम आपको इसमें शो कर देंगे लिंक में, और हमने एक वीडियो भी बनाई थी डिटेल इसमें जिसमें जब इंस्टॉलेशन हो रही थी तो हमने उसमें इसकी कॉस्ट भी बता दी थी, तो आपको वो भी हम आगे बताएंगे इंशाल्लाह ताला। तो अभी हम आपको इसके इससे हमें जो फ़ायदे हो रहे हैं काशिफ साहब वो तो हमें आप दिखाएं ना काशिफ साहब। जी जी जो इसमें फायदे हो रहे हैं हमें एसी चला के दिखाएं जी, और चीजें रन करके दिखाता हूँ, इधर लोड भी उठाएगा ये सारा, ये मैं सारी इसकी वीडियो में अभी बना के इसमें दिखाते हैं कि ये कितना लोड उठा लेता है, इधर से मीटर पे शो भी होता है कि कितना लोड इस टाइम चल रहा है तो वो सारा भी आपको दिखाते हैं। अच्छा इस पे लोड भी आता है, मेंशन आता है। जी जी। चले पहले हम इसे आप 1.5 टन का एसी हमें चला के दिखाएं, लोगों को पता चले कि वाकई चल रहा है। चले सोलर प्लेट्स भी आप हमें लॉन्जी की दिखाएं।
अच्छा काशिफ साहब, ये आपकी 8 सोलर प्लेट्स हैं जी। 8 सोलर प्लेट लवली की 550 वाट की है, ये 378,000 में लगी थी और इनको इंस्टॉल करने का सारा वायरिंग वगैरह सारा खर्चा तकरीबन 130,000 पे आया। अच्छा इंस्टॉलेशन का इनका 130,000, ये फाउंडेशन और केबल्स वगैरह सारी डाल के हाँ जी इसका 130,000। चले ये अब इसकी हम परफॉर्मेंस देखते हैं इसमें क्या है। ठीक है काशिफ साहब, हमें एसी जो है ये 1.5 टन का है, तो अभी ये सोलर पे चला के अभी आपको दिखाते हैं कि ये कितना लोड लेगा, अभी वो भी बताएंगे। अच्छा तो अभी मैं इसको रन कर, ये एलईडी भी सोलर पे चल रही है, ये एलईडी भी सोलर, अभी घर पूरा जो है वो सोलर पे चल रहा है, सोलर पे चल रहा है बिल्कुल। अच्छा वेरी गुड, ये लाइट्स कमरे में रोशन जो है ये सोलर पे है। चलें दिखाइए काशिफ साहब, ये अब एसी रन कर दिया, अभी आपको दिखाते हैं उधर मीटर पे ये कितना लोड ले रहा है, तो आपको पता चलेगा कि वो ये 1.5 टन का जी ग्री का इन्वर्टर एसी है। और ये देखिए ये 55 इंच की एलईडी है, ये भी चल रही है तकरीबन, ये भी तकरीबन 140 से 50 वाट लेती है ये एलईडी 4K। काशिफ साहब ये 150 वाट की तो ये एलईडी आपका ले रही है पता है, और ये देखें तकरीबन ये 1500-1600 वाट ये एसी लेगा, इससे ज्यादा ही लेगा 1500-1600 वाट। अच्छा वेरी गुड यार, सारा सिस्टम सोलर पे चलेगा इंशाल्लाह। इसकी अभी एसी की परफॉर्मेंस आपको दिखाते हैं जनाब, ठंडी हवा आनी शुरू हो गई आपको। हाँ जी ठंडी हवा शुरू हो गई है जी आने। हाँ जी देखा ये ठंडी बिल्कुल ऐसे ही पूरी गर्मियों में आपको ठंडक देगा। और तो ये डेली इसके एवरेज यूनिट कितने तकरीबन ये बनाता है अंदाजन? ये तकरीबन ये तो आपके इस्तेमाल पे है क्योंकि मेरा वो नेट मीटरिंग नहीं है, अगर नेट मीटरिंग हो तो ये तकरीबन महीने के 300 यूनिट बना लेगा ना। अच्छा 300, तो अब मेरे इस्तेमाल पे है कि मैं कितना इस्तेमाल करता हूँ, ये नेट मीटरिंग वाला नहीं है तो इस वजह से ये जितना ज्यादा मुझे मैक्सिमम, मैं जारी बात है जब फुल एसी चलेंगे, अभी तो एसी आस्ते आस्ते बंद होने शुरू हो गए हैं, मौसम वहाँ चेंज हो गया, तो जब मौसम गर्मियों में फुल में चलेगा एसी तो उस वक्त इसकी फुल प्रोडक्शन का पता चलेगा ये कितने यूनिट बनाता है। okay. अगर ये नेट मीटरिंग हो तो 300 यूनिट बनाता है। सही, ठीक ठीक ठीक। चले जी ये बहुत अच्छा हुआ, और ये क्या जबरदस्त देखें जी, टीवी भी इस पे चल रहा है और ये एसी भी चल रहा है जी। देखें जी सोलर के फायदे तो एक दफा आपका खर्चा हो जाए और फिर बचत ही बचत है जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप बल्कि आप फ्यूल प्राइसेस ज्यादा हो गई हैं तो आप कोई बाइक जो इलेक्ट्रिक बाइक आ गए हैं वो ले रहे हैं साथ, उसको वो आपकी फ्री में चार्ज कर दिया करेगा ये। अच्छा वो बाइक भी फ्री में चार्ज हो जाएगी? हाँ जी, यानी कि आप इस तरह भी आप अपनी कॉस्ट को जरा जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक ठीक ठीक। अभी मैं आपको दिखाता हूँ मीटर पे जाके, अभी मीटर पे जाके आपको लोड दिखाते हैं जी इसका, ये उसके ऊपर कितना लोड पड़ा है ताकि आपको पता चले कि एसी के साथ ये कितना लोड उठा रहा है। ठीक है चले आए जी। चले थैंक यू। अब ये कितना लोड ले रहा है एसी जी? अब एसी चल रहा है इधर इसका तकरीबन 2.2 वाट, यानी कि 2 किलो वाट से ऊपर लोड चल रहा है। अच्छा 2 किलो वाट से ऊपर का लोड चल रहा है, और ये सारा लोड सोलर से आ रहा है इसका। वेरी गुड यार, तो ये अब वापस से बिल्कुल जीरो रेस्ट है। वेरी गुड, अब देख लें कि इसका कितना ज्यादा फायदा है कि आप एसी जैसे दिन डे टाइम में चलाएंगे तो हाँ ये तो बहुत है, दिन में तो बहुत बचत है, अगली गर्मियों में आपको ये फायदा होगा जी। अभी जरा आपका पता है कि गर्मियों का ये जो वेदर है वो तो खत्म हो गई, गर्मियां खत्म हो गई, लेकिन ये एक बात नोट कर लें, ये जो प्लेटें हैं ये तकरीबन साफ करनी पड़ती है वीक में एक दफा तो साफ करनी। अच्छा इनकी डस्ट वगैरह, डस्ट वगैरह उसकी परफॉर्मेंस भी ज्यादा हो जाती है। अच्छा फिर अच्छी परफॉर्मेंस हो जाती है। हाँ जी आप हफ्ते में एक दफा तो जरूर इन पे पानी वगैरह, लेकिन पानी इसको लगाना है शाम के टाइम। अच्छा यानी कि मगरब के बाद, अगर आप दोपहर में ऐसे पानी डालेंगे तो ये क्या शीशा ब्रेक हो सकता है। ओके जब ठंडा मौसम होगा हीट कम होगी तब करना है। बिल्कुल बिल्कुल, अब आप देखें ना जब बारिश भी होती है तो बादल आ जाते हैं तो उसका टेम्परेचर प्लेटों का कम हो जाता है, फिर बारिश दोपहर को भी आ जाए खैर है, लेकिन एकदम ऐसी धूप में ये प्लेटें फिर हीटअप हुई होती है तो फिर अगर डायरेक्ट पानी डालेंगे तो फिर इसके ब्रेक होने के। अच्छा इसका मतलब ये जो पंजाब रीजन में क्योंकि डस्ट ज्यादा है, ज़रई एरिया है पंजाब, तो इसमें एक इसकी वीकली जो है इसको क्लीन करना जरूरी है प्लेटों को, एक हफ्ते में एक दफा या मैक्सिमम 2 हफ्तों बाद तो लाजमी है ना। अच्छा इसको साफ करें। चले जी बहुत अच्छी आपने रहनुमाई की। चले काशिफ साहब आपने आज जो हमें ये बताया इससे हमारे जो नाज़रीन हैं उनको फ़ायदा होगा, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए जी। काशिफ साहब थैंक यू वेरी मच, आपने हमें इतना ब्रीफ किया। वेलकम, आप जब भी कहेंगे दोबारा आपकी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।